हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि समर के मेन्यू में ऐसा कौन सा फेस पैक है जो कि हर स्किन टाइप को सूट करता है। स्पेशली ऑयली स्किन वालों को इस मौसम में बहुत सारे पिंपल्स के प्रॉब्लम होते हैं, बाहर निकलने से सन टैनिंग एंड स्वेटिंग, इसकी वजह से स्किन बहुत ही बेजान और डल दिखने लगती है। तो चलिए एक ऐसे ही फेस पैक जो कि मैं 1 मंथ से ट्राई कर रही हूँ, मैंने खुद बनाया है। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है, बस ये बहुत सिंपल है, बट मैं इसे यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी जरूर करना, ये बहुत ही मिरेकल का काम करता है, खास करके ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। यह मैंने रोज पेरिल्स लिया है और बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है, पानी ज्यादा नहीं लेना आपको। अब इसे अच्छे से वॉश करके उसमें स्मेल आ गई थी, और जो इससे पहले मैंने बनाया था वो मेरा 2 मंथ चला था, तो इसलिए आप भी इसे डार्क बोतल में रखना। अब हम इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेते हैं। ये देखिए, जो मार्केट का गुलाब जल होता है या डाबर गुलाबरी गुलाब जल, वो ऐसा काम नहीं करता जो ये करता है। अब देखिए इसका पैक बनाते हैं, इसके लिए मैंने गोटे वाली मुल्तानी मिट्टी ली थी जिससे पाउडर बनाया। आप भी ऐसा ही लेना, नहीं मिले तो पाउडर भी सही है, इसमें मिलावट की कोई चांस नहीं रहती है। रोज वाटर इतनी लेनी है जितने ये सूख कर जाए अच्छे से। ये गुलाब जल आपको 10 से 15 दिन तक आसानी से चलता है। डार्क बोतल में रखोगे आप और ठंडी जगह पर तो ये 1 महीने भी चलता है। ये फेस पैक बहुत ही अच्छा काम करता है। ऑयली स्किन वाले इसे लगा के 10 से 15 मिनट सूखने के बाद धो दे, इससे पोर्स भी टाइट होते हैं और काफ़ी ग्लो भी होता है स्किन। और ड्राई स्किन वाले इसे 2 से 3 मिनट पूरा सूखने ना दे और उससे पहले ही अच्छे से धो ले। मैं इसे फेस वॉश के रूप में भी यूज करती हूँ, इसे ऐसे ही बोतल में रखेंगे आप और फेस पैक में भी। ये देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, छोटी सी मैंने कटोरी ली है छोटा सा, उसमें थोड़ी सी मात्रा में एलोवेरा जेल लिया, मैंने एलोवेरा जेल लिया है। कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, नेचुरल तो बहुत अच्छी बात है। फ्यू ड्रॉप्स रोज वाटर के भी ले लिए इसमें, ये देखिए 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसे अच्छे से सेक करना, अच्छे से हिलाना है, अच्छे से विस्क ताकि इसमें अच्छे से मिल जाए, बहुत ही अच्छे से मिल जाए। थोड़ी सी और डालनी पड़ेगी जिससे एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाए, जस्ट एज अ टोनर। इससे पहले मैंने गुलाब जल बनाया था वो 1 मंथ से ऊपर चला था। आपकी रोज़ पेटल सही होनी चाहिए तो अच्छे से चलती है ज़्यादा दिनों तक, और इसमें कोई मेहनत भी नहीं, आप कभी बना सकते हैं। तो ये हमारा टोनर बनके तैयार है। अब इसमें कॉटन बॉल डीप करके पूरे हाथों पे लगा लेती हूँ। अब इसे कॉटन बॉल में डीप कॉटन बॉल, इससे स्किन काफ़ी शाइनिंग करती है, अच्छा ग्लो देता है इसके, जिससे पोर्स जो होते हैं ओपन पोर्स वो भी कम होता है, स्टिंग करता है काफ़ी हद तक। एंड इसे पानी से नहीं धोना है, जस्ट एज ए टोनर ही रखना है, तो ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है और ड्राई। मैं अभी से ये यूज करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर मेरा ये अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।